कोटा में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर्स का आंदोलन जारी है। विज्ञान नगर पुलिया के नीचे लगातार धरना दिया जा रहा है और आज धरना स्थल पर निजी चिकित्सकों ने सद्बुद्धि यज्ञ कर आक्रोश जताया। वहीं धरना स्थल पर कई सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर व स्टाफ ने भी आंदोलन का समर्थन दे दिया है। चिकित्सकों ने बिल वापस नहीं लेने पर शहर से पलायन करने की चेतावनी दी है। तो वहीं चिरंजीवी सहित कई योजनाओं से मरीजों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही लगातार निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल के चलते शहर की चिकित्सा व्यवस्था ठप होने लगी है। तो वहीं इसके पहले निजी अस्पतालों के चिकित्सकों और स्टाफ ने वाहन रैली भी निकाली। चिकित्सकों का कहना है कि आरटीएच बिल के बिना भुगतान के प्रावधान से निजी अस्पताल पर अस्तित्व का संकट होगा, जिससे न सिर्फ चिकित्सक बल्कि उनसे जुड़े हजारों लाखों सहायक कर्मी भी बेरोजगार हो जाएंगे। हमारा तो सिर्फ एक ही कहना है, हम सभी डॉक्टर्स का, नो टू आरटीएच। ये बिल आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस बिल के आने से सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, मरीजों को और पूरी जनता को भी तकलीफ होने वाली है। क्योंकि जो स्थिति बन रही है उसमें हो सकता है कि जो छोटे नर्सिंग होम हैं, जो मैटरनिटी होम्स हैं, उन्हें हमें बंद करना पड़े या यहाँ से हम पलायन कर जाएं। फिर ऐसी स्थिति में सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, पूरी जनता भी परेशान होगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वैसे ही लोड बहुत ज़्यादा है, और फिर ये सारे जो मरीज, मैं बता रही हूँ कि कोटा में ही गली मोहल्लों में कुल मिलाकर के 100 से ज़्यादा छोटे मैटरनिटी होम चल रहे हैं, और वो सारी सुविधाएँ दे रहे हैं डिलीवरी की। यदि ये सुविधाएँ पूरी नहीं मिलेगी और ये सारे मरीज यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो स्थिति मुश्किलें तो चारों तरफ से बढ़ रही है। ये डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि हमें अपने बुक पेशेंट्स रिफ्यूज़ करने पड़ रहे हैं। लेकिन हमें अब एकता दिखानी पड़ेगी अब इस बिल के खिलाफ, क्योंकि ये काला बिल है और इसे वापस ही लेना चाहिए सरकार को। और हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं, सारी गायनेकोलॉजिस्ट कोटा की इसमें साथ दे रही हैं और हम नो टू आरटीएच के लिए ही कैंपेन कर रहे हैं। डॉक्टर निधि वर्थून साहब, अब लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है, आगे क्या रहेगा, आपको क्या लगता है क्या नतीजा होने वाला है? नतीजा ये है कि जब तक ये आरटीएच का मसला चलता रहेगा तब तक डॉक्टर सड़क पे ही रहेंगे। सबने अपने क्लिनिक पे ताला लगा रखा है, कोई नहीं चाहता है कि ये गंदा कानून आए, काला कानून आए, क्योंकि पहले ही जो 54 कानून है उनसे डॉक्टर बहुत ही त्रस्त हैं।